हाँ दोस्तों आइए, ये भी वाराणसी आ रही है हमारी शिवम स्टूडियो के द्वारा, जिसमें ढोलक बजा रहे हैं बेटा भूपेंद्र गांव सुराया से, चिमटा बजा रहा है बेटा सुमित नगला डलाई से, और घड़ा बजा रहा है हमारा छोटा भाई पुष्पेंद्र दीवाना नगला रमिया से। अरे माँ भारत के बीच पितामा मोहन बतलाए, भैया सुधीर जी, जिस समय मां भारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी थे, इधर भीष्म पितामह अपने डेरा में विश्राम कर रहे थे, उस समय अर्जुन से बोले हैं भगवान श्याम कि कल के युद्ध में सामना कुंती पुत्र तुम्हारा किससे होगा पता है? उस गंगा के पुत्र भीष्म से। लेकिन अर्जुन बोले हैं प्रभु ऐसा कोई उपाय है कि भीष्म पितामह कल युद्ध क्षेत्र में ना आए? लेकिन श्याम सुंदर बोले हैं युद्ध क्षेत्र में भी आएंगे और लेकिन तुम्हें हरा नहीं पाएंगे, आखिर क्यों? अरे लला मेरी बात आप सुनना, अरे कै अर्जुन बात मेरी सुनना, तुम्हें हम तो बोलत जाए सारथी दे तुम्हारा सारथी होगा उस समय, और ये सारथी जो कहे वे ही सुन जाइयो। ए अर्जुन जो हम बोलत जाए लला तुम सुनते ही रे जाइयो, ए भूपेंद्र जो
अर्जुन बोला है प्रभु भीष्म पितामह जीतेंगे उत्तम बहुमाल में, लेकिन कोई उपाय बताओ। आज श्याम सुंदर ने क्या किया कि पहले तो सलाम मनाई लला कि भीष्म पितामह ऐसा कोई है कि भीष्म पितामह जाके सामने तीर में चलावे और उनको वरदान है बेटा कि वे अपनी इच्छा से उनकी मृत्यु हुई तो मना कर सकता है। सोई भीष्म पितामह के एक छोटी सी कमजोरी ढूंढने के कारण और द्रौपदी को साथ में लिया है। द्रौपदी से कही बहन एक काम सुन ले, मैं पीछे पीछे चले और एक काम करिए कौन सा आरे पादुका हाथ न ले लिए, शरण पादुका हाथ में ले लेना जैसे अपने कुल्लड़ भाषा में क्या कहते हैं भूपिंदर। हाँ आरे पादुका हाथ न ले लिए, इधर द्रौपदी गई है सो बाबा के पांच हुए लला पुष्पिंदर। जैसे ही बाबा के पांच हुए तो बाबा ने कही जाओ सदा स्वागिन रहो। तो ही द्रौपदी बोली बाबा भगवान कन्हैया सला की थे उसके, तो ही बोली बाबा कल तुमने नो कह दई कि कल के युद्ध में एक पांडवा बच्चों ने, तो जी बताओ सदा स्वागत रही कहते हैं जब मेरा स्वागी ने बचेगा तो। अब जी बताओ बाबा बात तो जी रही के पूरे है के लला। तब क्या बोले भीष्म पितामह के बेटी बात तो दो रह गई हुआ क्या। अरे पितामह हंस के बतलाए तू इकली नाया आई सदा गिरु तेरे संग आए। ये बताते हो सलागीर को है तू इकली तिया न आई सलागीर तेरे आया। नहीं अब तो मैं दुखिया अब तो मैं दुखिया आशीर्वाद सदा स्वागत कह डाली है। अब तो गंगा जी के लाल सदा बोलिए।